हुजूर ने इरशाद फरमाया मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहु, क्या मतलब जो नबी के बारे में बात करे उसका सर उतार दो। मन सब्बा सहाबियन, ये जोर मुस्लिमों को भरने का है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुरान भी पढ़ते होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, लेकिन जिहाद का इंकार करेंगे के। अलामा इकबाल कहते हैं ना, फतवा है शेख का, ये जमाना है अमन का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। अलामा इकबाल कहते हैं पीर साहब ने फतवा दे दिया, वो कहते हैं ये पीरों का फतवा नहीं, ये तो कादियानी ने फतवा दिया था कि अमन की बात करो, तलवारों की बात ना करो। मुसलमान बच्चियां लूटती रहें पूरी दुनिया में, उनको बचाने की भी बात ना करें। आफिया सिद्दीकी 18 साल से अमरीका की कैद में पड़ी हो, आफिया सिद्दीकी को बचाने की भी बात ना करें। मुसलमानों की बेटियों को दस्तों के साथ बांधकर जिंदा उनके चमड़ियां उधेड़ ली जाएं, उनके नाक काट ली जाएं, लेकिन उनको बचाने की बात कोई ना करे। अलामा इकबाल तो कहता है कि इब्लीस की मजलिस से शूरा लगी, अलामा इकबाल ने उस पर नज़म लिखी और आखिर में इब्लीस ने जो पैगाम दिया अपने चेलों को, कहा कि मुसलमान को किस चीज में तुमने लगाना है। अलामा इकबाल कहते हैं इब्लीस ने कहा मस्त रखो जिक्र फिक्र शुरू होगा ही नहीं से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही नहीं से। अलामा इकबाल कहते हैं कि इब्लीस ने कहा अपने चेलों को कि मुसलमान को सिर्फ सुबह शाम अल्लाह 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 के जिक्र में लगा, इसको नमाजों पे लगा, कुरान पे लगा, और इनको दरबारें बना कर दे दे, ये दरबारों पर बैठकर नाच गाने करवाते रहे, दरबारों के नाम पे खाते रहे, लेकिन मुसलमानों को कभी जिहाद की बात नहीं बतानी, मुसलमानों को इस्लाम की सियासत के बारे में नहीं बताना, मुसलमानों को इस्लामी मईशत का नाम नहीं बताना, मुसलमानों को इस्लाम का निज़ाम नहीं बताना, मुसलमानों को नहीं बताना कि सहाबा भी चीफ जस्टिस थे, अदालतें सहाबा ने भी चलाई थी, मुसलमानों को नहीं बताना कि सहाबा यूनिवर्सिटियों में पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, दार अरकम सहाबा ने खुद तामीर भी करवाई, ये नहीं बताना कि फौजी छावनी जो थी वो तो मेरे आका और मौला ने मस्जिद नबी में बनाई थी, लश्कर तैयार करके भेजे थे लड़ने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आज हर साल उमरे के लिए जाते हैं, जो हज के लिए जाते हैं, बताएं वो किस मुंह से जाते हैं, मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में मुसलमान लूट रहे हो, पूरी दुनिया में मुसलमान पर जुल्म सितम हो रहा हो, हुजूर कब हज करने गए? मुझे तो पता है जब हुजूर निजाम ले आए थे ना, मक्का भी फतह हो गया था, 27 जंगों में हुजूर खुद शरीक भी हुए थे, 27 गजबात में हुजूर खुद तलवार लेकर गए, मेरे आका मौला ने तलवार उठाई, आज उम्मत ही कहे कि नहीं मैं तलवार की बात भी नहीं करूंगा। हुजूर 27 गजबात में खुद गए, 27 गजबात करने के बाद फिर मक्का भी फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद फिर हुजूर ने हज किया, पहले निजाम ले आए फिर हज पर गए। आज निजाम कहाँ है? पूरी दुनिया ने बताया कहाँ मुसलमानों को आजादी है रहने, यहाँ पर आजादी किस चीज की है? स्पीकरों की इजाजत है, मस्जिदों से स्पीकर तो इन्होंने उतार लिए, सारी रात के अंदर खाना होता रहे, शराबें चलती रहे, फायरिंग होती रहे, तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन मिलाद हो तो फौरन आ जाता है थानेदार, ओ मौलवी इजाजत के लिए मिल रही है, मतलब ये पाकिस्तान है या हिंदुओं का मुल्क है, हमें यहाँ पर आज किसी चीज की छोड़ देना, हमें आज किस चीज की यहाँ पर आजादी है? स्पीकर इन्होंने उतार दी है, कोरोना की बीमारी रमजान आता है कोरोना की बीमारी आ जाती है, मुसलमान गुनाह से गुनाहगार भी हो ना और रमजान में मस्जिद आ जाता है, वो कहता है नहीं यार एक महीना रब ने दिया, चलो यार रास्ते में इबादत कर रही है, गुनाहगार से गुनाहगार भी, लेकिन इनको पता लगा कि गुनाहगार भी आ जाता है, अगर उसका साल बाद भी रब से ताल्लुक कायम रहा तो फिर भी उसके अंदर गैरत होगी, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को अब मस्जिदों से भी बाहर निकाल, दुबई की मस्जिदों से इन्होंने कुरान उठा लिया है कि कुरान में कोरोना की बीमारी आ गई, मक्का और मदीना बंद कर दिया कि उधर भी बीमारी है, दाता साहब बंद है और वो सिखों का जो गुरुद्वारा बनाया इन्होंने करतारपुर वो खुला हुआ है, दाता साहब बंद है करतारपुर सिखों का खुला हुआ है कि वो आते रहे वो जाते रहे, उनको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन जो दाता साहब पूरी दुनिया को फैज दे रहे हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना किसान पीर कामिल कामिना रा रहनुमा, जिन्होंने सिर्फ एक निगाह दी थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, वो जब उन्होंने आंखें निगाह उठा कर देखा हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया, वो दादा साहब आज उनका दरवाजा भी बंद करवा दिया, पूरे पाकिस्तान में कोरोना आया, कोरोना के अंदर सारों मस्जिदें बंद करवाई, सब कुछ किया, लेकिन एक मस्जिद पूरे पाकिस्तान में खुली रही, वो लाहौर के अंदर खादी में हुसैन रिजवी की मस्जिद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
نبی جان فقتلوه من صبا نبی جان فقتلوه من صبا نبی جان فقتلوه